हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी सहारा निवेशक पीड़ित साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सहारा ने किया बेसहारा निवेशकों का पैसा हुआ मिलना मुश्किल। सेवी विभाग ने भी साफ इनकार किया कि क्यू शॉप का प्लान एफडीआरडी प्लान में नहीं आता। दोस्तों, इस वक्त सहारा निवेशकों के सामने जो स्थिति है, उस स्थिति को हम आपके सामने बयान करने वाले हैं कि सेबी के द्वारा दो इकाइयों को प्रतिबंधित किया गया था, जिनका पैसा सुब्रत राय जी ने क्यू शॉप, एक इन्होंने हाथों हाथ अपनी एक स्कीम चालू की थी, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, उस पर्पस में हमारी सेवी विभाग से बात हुई थी और हमने उनसे सीधे सीधे ये कहा था कि सर, 2100 करोड़ रुपया जो आपके पास निवेशकों का देना है, उन निवेशकों का पैसा क्यू शॉप, जो इनकी इकाई थी जिसको आपने, उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसमें भी कमियां पाई गई थी, उसको भी सरकारी तौर से बंद कर दिया गया था। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो 21 हजार करोड़ रुपए की देनदारी के लिए अपना पोर्टल चालू किया था, तो उसमें 95% लोगों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था, और 5% लोग वो ऐसे थे जो कन्वर्ट कराने के से जागरूक थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ के आधार पर कन्वर्ट नहीं होने दिया। उन निवेशकों के आपने 105 करोड़ रुपया देके अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आपने ये जानना नहीं चाहा कि 95% निवेशक आपसे पैसा लेने के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, पूरी हमने उन्हें कथा कहानी सुनाई कि ये प्रतिबंधित इकाइयों का पैसा क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया था और क्यू शॉप के निवेशकों का भुगतान आप क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि क्यू शॉप हमारी जांच के अंदर नहीं आती, हम केवल चिटफंड कंपनियों के ही निवेशकों की देनदारी और उनकी साथ जो गलत तरीके से पैसा लिया गया, उनका उनको ही दिया जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने पूरे हमारे पूछने पर यही कहा कि ये हमारे अधीन में नहीं आता, इसका पैसा केवल आपको कंपनी, सहारा कंपनी ही दे सकती है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। हमने बहुत घुमा फिरा के पूछना चाहा कि सर, सेवी विभाग के अलावा कोई और ऐसा विभाग हो जहाँ पर इन क्यू शॉप के निवेशकों का पैसा इन तक पहुँच जाए, क्योंकि आपने जो दो प्रतिबंधित इकाइयाँ की थी, उनके पैसे की देनदारी सहारा को सौंपी थी, सहारा ने पैसा जमा नहीं किया, उनने उल्टा कन्वर्ट कर दिया, और जब उससे नहीं दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आपने इसको पैसे देने की जिम्मेदारी ली और सहारा सुब्रत राय ने आपके पास पैसा भेजा। अब यही पैसा केवल 105 करोड़ ही दिया देनदारी में गया, बाकी जो आपका ये पैसा 20 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा आपका बचा, इसको आप सुब्रत राय को दे रहे हैं, तो निवेशकों को आप क्या देंगे। तो दोस्तों, बहुत लंबी बहस के बाद उन्होंने हमसे सीधा ये कहा कि इसके बारे में केवल सुब्रत राय और उनकी कंपनी जाने, हमारा इस जो इनकी इकाई थी क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज, ऐसे कुछ नाम से जो इकाई है, तो दोस्तों खरीदना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी नई अपडेट के साथ। दोस्तों, इस बात को यहीं पर क्रमशः में डालते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।